ओए भाई इस तरफ से। एक मिनट पीछे मैं दिखाता हूँ जो ये लोगों ने बना रखे हैं वो जो फ्लो मेरा नाम है ओम और आज हम आए हैं रामनगर किले में। इसका नाम किला लिखा है वैसे किला ऐसे कुछ बोलते हैं। अई क्षेत्र का मतलब मुझे नहीं पता सच बताऊं तो। फिलहाल ये जगह जो है ये है यूपी में और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं कहते हैं कि यहाँ पे अश्वत्थामा देखा जाता है। देखो भगवान का रूप है और कहा जाता है कि जो दुनिया में 7 लोग अमर है। अमर मतलब वो ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं मरेंगे, तो उसमें से एक है अश्वत्थामा जी। कहा जाता है कि वो यहाँ पे आते हैं उस किले में दिखाई देते हैं। कई लोग का कहना है कि वहाँ पे कोई और एनर्जी है, तो वही हम आज क्लियर करने हैं। क्या वहाँ पे वो अश्वत्थामा जी आते हैं क्या फिर वहाँ पे कोई और एनर्जी है? वो सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। लिखा तो है कि वो किला यहाँ से जाते हैं अंदर की तरफ और ये पूरा बहुत बड़ा भीड़ है वहाँ तक जाना और वो किला ढूंढना रात में। दिन में आए थे तो बड़े आसान से मिल गया, रात में ढूंढना बहुत बड़ी मुश्किल का काम होगा। तो चलो चलते हैं। अभी यहाँ से दिख तो रहा है कि गाड़ी जाएगी, जहाँ तक गाड़ी जाएगी वहाँ तक लेके जाएंगे, आगे से तो फिर पैदल जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है अभी उस किले को ढूंढना और ये आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे क्या अक्सर अश्वत्थामा आज भी वहाँ आती हैं या फिर कोई और एनर्जी है। तो चलो चलते हैं। हाँ, बहुत मुश्किलों के बाद हम यहाँ पहुँच गए। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कार हमने दूर खड़ी कर दी और रात के अंधेरे में ना, दिन में तो चलो दूर से ये दिख जाता है जहाँ पे मैं जाना था, बट रात में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो मैं और प्रियंक यही सोच रहे थे क्या हम यहाँ पहुँच पाएंगे कि नहीं, बट हम फिलहाल पहुँच गए हैं। थोड़ा और पास चलते हैं क्योंकि ना ये ना जो जगह है एक बीहड़ों के बीच में है। ऊपर क्या है? अच्छा ऊपर लाइट करना सबसे ऊपर। देखो अभी हम हैं रामनगर में, अभी फिलहाल हम रामनगर में हैं। थोड़ा और पास चलते हैं इसके। और मम्मी ये शायद यहाँ पे नील गाय, लोमड़ी और कई लोग का तो कहना है कि जो चीते होते हैं ना वो कभी कभी जो गांव के आसपास में भी देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत है। मैं दिखाता हूँ जो ये लोगों ने बना रखे हैं वो जो फ्लो। आवाज़ आ रही है, ये किसी जानवर की आवाज़ है। भाई 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 सुन, ये आवाज़ मैंने पहली बार सुनी है। मैंने बहुत पहली बार सुनी है और ये जंगली जानवर का भी खतरा है। मैं वहाँ बता रहा था कि बहुत पास में है जानवर, कैमरा और लाइट बंद कर दी थी क्योंकि जानवर की आवाज़ बहुत पास से आ रही थी। अभी भी जानवर बहुत पास में है, ये कौन सा जानवर नहीं पता, हम दो लोग हैं, खतरा है। एक बार लाइट करके ऊपर दिखाना इस जगह को, दिख रहा है उधर कुछ है आसपास में। चलो हम चलते हैं पास में, चलो चलते हैं। और एक बार मैं चाहता हूँ प्रियंक तो उसको सही से दिखा, क्या पूरा कैमरे में सही से दिख रहा है? पूरा पूरा दिख रहा है एकदम, पूरा किला सब बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा है पर ये थोड़ा छोटा इसमें दिख रहा होगा। अभी हम इसके ऊपर चल रहे हैं तो इसको जाने के लिए हम क्या दिन में एक बार आके हम देख के जा चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगली जानवर है, यहाँ पे परमिशन तो नहीं थी बट बहुत मुश्किल से दी उन्होंने अपने रिस्क पे। और अभी हम यहाँ से चल रहे हैं।
के बीच में है यहाँ पे, इसलिए रात को यहाँ पे कोई नहीं आता। और जो भी लोग यहाँ पे रात को आए हैं कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे घोड़े में किसी शख्स को देखा है। क्या प्रियंक, ठीक है ना? देखो यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है, तो कई लोग का कहना है कि जो ये है ना, यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं थी पहले के लोग 12-12 फुट के लंबे हुआ करते थे, तो उनके लिए ना ये एक पैर ऐसा हुआ करता था। कितने सच्चाई है ऊपर सात पे। अच्छा, यहाँ पे रात में कोई भी नहीं आता शायद, मुझे शायद क्या पता भाई, अकेला कोई चर्सी वर्सी लोग भी हो सकते हैं यहाँ पे, इस जगह के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानते हैं। तो फिलहाल ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि क्या सच में हमें कोई एनर्जी मिलती है। पत्थर गिर रहे हैं, शायद कोई तो है, जैसे ऐसा ना कि चढ़ने की मैंने कोशिश की, पत्थर गिरने लग गए, जैसे कोई चाहता है कि हम ऊपर ना जाएं इस टाइम। कहते हैं कि वो आके ऊपर शिवलिंग है, ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग है, शिवलिंग भी 7-8 फुट का शिवलिंग है। यहाँ के लोगों को बहुत कम लोगों के बारे में पता है। देखो कुछ अजीब सा है, कुछ जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो ये हो रहा है भाई, यहाँ से भी चढ़ना पड़ेगा। आजा एक बार हाथ पकड़ ले, पीछे 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 रख, पीछे रख। और यहाँ की जो सीढ़ियाँ, ये सीढ़ी तो मुझे नॉर्मल लगी, यहाँ की जो सीढ़ियाँ मेरे हिसाब से टूट गई हैं। तो चलते हैं, आ जाओ ऊपर। कोई है क्या? कोई है क्या? किसी के पैर की आवाज है? कोई है? कोई है क्या? ओए ओए भाई, ये मतलब कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट रहा है या शायद कुछ और बात है? क्या पे ध्यान देखिए। हाँ, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा। नीचे कुछ है, नीचे कुछ है, नीचे पर नीचे कर, क्यों नीचे कोई है क्या? देख ध्यान से करियो, कोई है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं। तो ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसको बड़े ध्यान से देखना। और ये जो चीज़ है इसको बड़े ध्यान से देखना। लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो लोग अपने RRSS लिख के जा रहे हैं, तो हम ध्यान से भी जीना है। इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि ये चीज़ क्या है। एक मिनट, आगे से नहीं है सीढ़ी? नहीं, यहीं से यार। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है बहुत बड़ा शिवलिंग। और कहते हैं कि एक बार जब बिजली है वो कड़की थी, कहते हैं कि सांप इसके ऊपर थे या कुछ था, और बिजली बहुत जोर की कड़की थी, और इसका आधा पार्ट टूट के वहाँ नीचे गिर गया। और यहाँ के मतलब कितने अच्छे लोग हैं, मतलब उन लोग को ना, जैसे यहाँ के जो नाबालिग लोग हैं, जो मतलब जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में, जो प्यार करते हैं निभा निभी टाइप के, वो देखो प्यार का निभाजहार निशानी BK CK, मतलब लोगों को नहीं पता कि ये बैठे थे जिस तरह मैं बैठा हुआ था, थोड़ा कैमरा देख कर। तो प्रियंका कहना कि उसको ना भी ऐसे लगा कोई, एक मिनट भाई, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मंत्र वगैरह पढ़ रहा है। और इन भीड़ों में अगर दिख रहा हो कुछ, दिखा कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लाइट आगे कर, इन भीड़ों में कुछ नहीं दिख रहा होगा। नीचे कर, छोड़ो छोड़ो, पीछे कर, पीछे कर। कुछ घोड़े चलने की आवाज़ और घोड़े की आवाज़ इस तरफ से आ रही थी, जैसे कोई घोड़े पे आया है। देखो प्रियंक, दिखा कुछ ऐसा? कुछ नहीं, मुझे दिखा नहीं, मुझे आवाज़ जैसा लगा कुछ। ये क्या आवाज़ आ रही है? चलिए चल के देखेंगे और थोड़ा सा कैमरा देखकर। मैं बता रहा था जो पार्ट, ये जो पार्ट था ना, वो वहाँ से टूट के कहते हैं यहाँ पे गिरा था। और कई लोग, अरे कोई थूक के गया इस पे,
कहते हैं कि वो शिवलिंग पे जो शिव जी की तीसरी आंख होती है वो ये होती है, पर ये तीसरी आंख पे देखो क्या लिखा हुआ है। आ जाओ भाई, कोशिश करते बात करने की या फिर ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में यहाँ पे कोई एनर्जी है या नहीं। तो मैं इसको यहाँ पे इतना टाइम होगा कि हमारी एक बैटरी ख़त्म हो चुकी है, दूसरी लगाई है, और क्योंकि ना हम देखना चाहते हैं कि पूरी रात हो जाए चाहे या फिर सूरज निकल जाए, बट हम यहाँ पे रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इसमें कोई है क्या। अश्वत्थामा आज भी यहाँ पे आता है, लोगों का कहना तो है, लाइट बंद करके भी रुक रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर कोई भी है यहाँ पे, अगर वो अपनी अपस्थिति अपने होने का ऐसा समय करवाता है तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या अगर कोई है यहाँ पे ऐसा, सब पता नहीं बार बार लग रहा है ना ऊपर से कि ऊपर से कोई देख रहा है। तो प्रियंक लाइट के साथ, कैमरे के साथ लाइट भी ऊपर करनी होती होती है, भूल रहा था बार बार। नहीं ऐसे थी भाई। अच्छा तो क्या कोई है हमारे आसपास जो अपने होने का ऐसा समय करवा सकता है? इस मीटर पर अगर कोई भी है, एक दो लाइट अगर आप दे देंगे तो मैं चले जाऊँगा। बहुत ऐसे ट्राई कर रहे हैं बट अभी हल्का समय लगा कि जैसे कोई इसके आसपास आया। क्या कोई है, क्या दोबारा कोई इस मीटर के पास आ सकता है? मैं थोड़ा दूर हट जा रहा हूँ, अगर कोई है तो इस मीटर के आसपास आ जाए। यार ये फोकस क्यों नहीं ले रहा, जब कोई एनर्जी आती है फोकस नहीं ले रहा। फोकस अपने होने का साथ केटोमीटर के पास, केटोमीटर पे करवा दे हम चले जाएंगे। बोले थोड़ी दिक्कत है क्योंकि टाके वाके आए मेरे आए हुए मेरे पूरे मुँह के अभी। क्या कोई है? गिर कैसे गए? अभी इतना से गिर गया मुझे, छोड़ दे चल। कि आपने यहाँ पे क्यों यहाँ इधर का प्रियंक इधर देखा, देखो शिवलिंग का जो टूटा हुआ हिस्सा जो कहते हैं कि गिर गया था वो यहाँ पे है थोड़ा सा इधर। कई लोग का लगेगा कि मुझे शिवलिंग के पास ट्राई करना चाहिए, चेक करना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अश्वत्थामा या फिर जैसे लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई इंसान उनको घोड़े पे दिखता है, या फिर कई लोग को लगता है कि कोई इंसान है, मतलब आज भी लंगोट में यहाँ पे उन लोग को दिखता है, तो हम सिर्फ वही देखने आए थे। क्या कोई एनर्जी है? हम सिर्फ और सिर्फ वही देखने आए थे। अगर हम किसी भी प्रकार से किसी की भावना को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, पहुँचा रहे हैं, तो मैं आप माफ़ी चाहूँगा उनसे हाथ जोड़ के। फिलहाल हम लाइट बंद करके रुकेंगे, थोड़ी देर देखेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ जैसे दिखता है, जैसा लोगों को दिख रहा है, दिखता आया आसपास का। देखो वो लाइट दिख रही है वहाँ पे, वो खेत है, जैसे होता है कि गवर्नमेंट ने उनको दे रखे हैं, वो लाइट दिख रही है वहाँ पे खेत है, और एक वहाँ पे दिख रहा है। तो ये लोग जो ना यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, ये अपने ना पूरे मचान वचान बढ़िया से बना के उसके अंदर सेफ्टी के साथ रहते हैं। इग्नोर कर छोड़ो, एनर्जी है, आवाज़ें हैं, तो वो लोग बहुत सेफ्टी के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो उन लोग का कहना है, जैसे अब कोई लोग शाम के टाइम भी आते हैं तो उन लोग का कहना है कि यहाँ पे अक्सर लोग उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। तो अभी तक तो वो टाइम हो गया बट ऐसा कुछ नहीं दिखा, एनर्जी कोई है यहाँ पे वो मान सकते हैं। थोड़ा लाइट बंद करके बैठते हैं और देखते हैं। ओए भाई इस तरफ से ऊपर गया क्या सर से? हाँ इधर को, इधर को। अच्छा एक बात नोटिस कर रहे हैं, उस तरफ का बिल्कुल ठीक है, इस तरफ का नहीं, पूरा ऐसे पूरा खराब हो गया है, पूरा खराब हो गया है। शायद ये दीवार टूट गई इसके अंदर की और मिट्टी भरी बाहर आ गई है। तो देखो यार ये वीडियो हम यहीं तक रख रहे हैं, ठंड काफ़ी हो रही है, रात काफ़ी हो रही है। हाँ कोई दिखा नहीं क्योंकि थोड़ी देर में उजाला भी हो जाएगा यहाँ पे, और कोई दिखा नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ कोई एनर्जी है यहाँ पे, वो हम कह सकते हैं कि वो किसकी है, किसी भगवान की है या फिर किसी भूत की है, क्या है, बट हाँ कोई एनर्जी है वो मुझे महसूस हो रहा था, और कुछ ना कुछ आवाज़ें हैं, कोई चल रहा है आसपास, ये सब हो रहा है, शायद भीड़ की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से, क्या है कन्फर्म नहीं, बट हाँ डर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। पर इसको ये कह सकते हैं ना कि अश्वत्थामा अभी भी, मतलब अगर लोग ऐसा मानते हैं तो वही है यहाँ। हाँ देखो अगर आसपास के लोगों का मानना ये है कि अश्वत्थामा है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि वो हैं, आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कई क्योंकि कहते कहा जाता है कि वो एक सात लोग हैं, सात में से एक वो भी ऐसे हैं जिनको अमर होने का वरदान मिला हुआ है। तो ये वीडियो यहीं तक की थी, वीडियो से लाइक कर, कमेंट शेयर, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और